सुप्रभात बच्चों, आज की गेम्स क्लास में हम लोग योगासना करेंगे। योगासना में भी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। अष्टांग योग में बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हैं योग के। इसमें तीसरा कंपोनेंट है आसना। आसना कई प्रकार से किए जाते हैं, बैठ के करते हैं, खड़े होकर करते हैं, पेट के बल लेट कर, पीठ के बल लेट करके इस तरीके से आसन किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार एक डिफरेंट है। सूर्य नमस्कार इज अ सीरीज ऑफ आसना। इसमें कई सारे आसना है, इसमें हम लोग कई सारे आसना करेंगे सीरीज के साथ में। हमें आसना की डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसना, मतलब ऐसी अवस्था में आप, ऐसी एक अवस्था जहां पर आप सुख की अनुभूति करो और बहुत देर तक उसको मेंटेन कर सको, उसे आसना कहते हैं। सूर्य नमस्कार में क्या करते हैं, हम एक हर एक बहुत सारे पोस्चर को सीरीज वाइज करते हैं, उसको डायनेमिक वे में भी करते हैं और उसको स्टैटिक वे में भी हम लोग करते हैं। तो सूर्य नमस्कार का मतलब ऐसा नहीं कि सन को सैल्यूट करना है, ठीक है। हाँ, लोग सन को सैल्यूट करते हैं, इसको सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लोग पहले के ज़माने में लोग सूर्य नमस्कार, जो योग की पद्धति के माध्यम से सूर्य को नमस्कार करते थे, इस चीज़ का नाम सूर्य नमस्कार रखा गया, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की तरीके से हम इसको लेंगे, ठीक है। अब आप सभी को सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग आगे की फिर वीडियो देखें ना, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियक डिसीज है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जिन लोगों को रिस्ट इंजरी है, जिन लोगों को नी इंजरी है, जिन लोगों को लो बैक पेन है, ऐसे लोग सूर्य नमस्कार को नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो है 12 स्टेप में कंप्लीट होगा, 12 स्टेप होंगे, हम इसको 6 टाइम करेंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए आपकी, सूर्य नमस्कार जब करते समय आपकी सावधानी क्या होनी चाहिए, उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, सूर्य नमस्कार जब हम कर रहे होंगे तो उस समय हम जब स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेच नहीं होती है, ठीक है। हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेस करना पड़ता है, तो आप स्लो स्लो अपना बॉडी की मोबिलिटी को बढ़ाना है, मतलब ज्वाइंट्स रोटेशन करना है, थोड़ी हल्की बोल जंपिंग करना है या थोड़ा सा रनिंग करना है, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा रेज हो जाए। तो ये तैयारी होनी चाहिए आपकी पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले। सूर्य नमस्कार करते समय भी क्या है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने लगे बॉडी को, स्टार्टिंग में स्ट्रेच नहीं करना है। जब आपकी आपकी बॉडी अपने आप ही बताएगी, आपको अपने आप ही लगने लगेगा हाँ आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ रही, तभी आपको स्ट्रेचिंग आपकी बढ़ाना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराते रहूँगा कैसे कैसे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने जो आपका योगा मैट है उसके एकदम किनारे पे आ जाइए, खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को मिला के आप दोनों पैरों में छोटा सा गैप रखना है, जितना हमारा शोल्डर है उससे भी छोटा, शोल्डर लेवल के बराबर नहीं, कम, लेकिन इतना कि आप बैलेंस रह सके, ठीक है। पहला आसन क्या है, सिंपल नमस्कार आसन, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि सांस को क्या करना है, ब्रीथ इन करना, आउट करना है। यहाँ ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी, ब्रीथ को इन करते हुए आए, यहाँ नॉर्मल आपकी ब्रीथ हो गई, ठीक है। उसके बाद में ब्रीथ इन, देखिए हर एक पोजीशन पे आपको कम से कम 10 सेकंड रुकना है। देखो पहला आसन क्या था, पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको, पहला क्या था 1 और 2 में क्या था, हमें बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग हमने किया, ठीक है, और वहाँ पे हमें क्या 10 सेकंड रुकना है, ठीक है। तो पहला सेकंड क्या था, ब्रीथ इन करते समय हमें क्या पीछे जाना था, ब्रीथ इन, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या होगा, ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए। लेकिन इसका मतलब देखो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रीथ इन किया, नॉर्मल छोड़ा, फिर ब्रीथ इन किया, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आप नॉर्मल रहिए, ब्रीथ इन नहीं रखिए, मतलब ब्रीथ जो है आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड तक ब्रीथ को होल्ड करना है, ऐसा नहीं है। आपको ब्रीथ इन करते हुए सिर्फ जाना है पीछे, फिर बाद में आप ब्रीथ को नॉर्मल कर सकते हैं। फिर क्या है, ब्रीथ आउट करते हुए आपको क्या है, स्लो स्लो नीचे आना है, स्लो स्लो नीचे आना है, और अपने हाथों को अपने पाम से अर्थ को प्लेस कराना है, नी बैंड नहीं करेंगे, और ये पोजीशन रहेगी,
उसके बाद में आपका लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, और आपका जो नी है वो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे बैंड नहीं रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। इसके बाद में दूसरा जो राइट लेग था उसको भी पीछे जाएंगे। बॉडी का जो पोजीशन है बिल्कुल स्ट्रेच रहना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं कमर बैंड रख रहे हैं, कमर बहुत ऊपर किया, बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन में रहना है, इसको बैलेंस पोस्चर ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अष्टांग नमस्कार। देखिए अभी मेरी बॉडी के 4 पार्ट्स टच कर रहे हैं, 2 पाम और 2 टो, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अष्टांग नमस्कार इसका नाम है, तो अभी हमें 8 पार्ट्स को नीचे जमीन पर लगाना है। 2 नी लग गए, 6 हो गए, 1 चिन और चेस्ट। इसके बाद में भुजंगासन, पर्वतासन, फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके आना। फर्स्ट टाइम में लेफ्ट लेग पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। बच्चों अभी मैंने एक रिपीटेशन किया है, ठीक है, एक बार किया है। अभी क्या होगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया ब्रीथ इन करना है, आउट करना है मैं, और आपको ये भी बता रहा हूँ पोजीशन कैसी रहनी चाहिए। तो मैं दूसरी बार जो करूँगा उसमें आपको ब्रीथ इन और आउट बताऊँगा, तीसरी बार जब मैं करूँगा उसमें आप लोगों को, अब मैं ये नहीं बताऊँगा पैर कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, क्योंकि अब मैं जब करूँगा तो आप लोग फिर देख लेंगे। अब मैं बताऊँगा ब्रीथ इन और आउट, मैं ब्रीथ इन आउट उसके लिए बताऊँगा, ठीक है, वो करके बताऊंगा। फिर तीसरी बार मैं हर एक आसन का नाम बताऊंगा, तो इस तरीके से 3 बार हम कंप्लीट करेंगे, ओके। अभी ब्रीथ पे ध्यान देंगे, नॉर्मल ब्रीथ इन, यहाँ नॉर्मल, फिर इन आउट, इन आउट करते हुए यहां आ जाएंगे, इन नॉर्मल, यहां पे, यहां इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो ये ब्रीथ का था सिस्टम कि कैसे किस पोजीशन पर हमें ब्रीथ इन करनी है, आउट करनी है। अगर आप ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको हर एक पोजीशन पे हर एक आसना का नाम बताऊंगा कि कौन सा आसन का क्या नाम है, ठीक है। अब आप एक बार और देखेंगे, नमस्कार आसन, उत्थित हस्त आसन, पादस्थासन, अश्वि संचालन आसन, संतुलन आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, ये पादस्थासन, उत्थित हस्तासन और नमस्कार आसन। बच्चों ये हम लोगों ने किया स्लो पेस में। देखो आप लोग जब घर पे करेंगे आप लोग को एक पोजीशन पे करीब 10 सेकंड तक रोकना होगा, कब तक, 10 सेकंड तक। और कितने रिपीटेशन करने होंगे स्टार्टिंग में, 5 रिपीटेशन। जैसे मैंने 3 बार किया है, आपको स्लो स्लो
स्लो स्लो पेस में 3 बार करना है। उसके बाद में हम डायनेमिक आसन करेंगे, डायनेमिक सूर्य नमस्कार। इसमें क्या होता है, हम डायनेमिक वे में करते हैं, लेकिन इसको स्टार्टिंग में नहीं करना वरना आपकी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं डायनेमिक एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ, डायनेमिक सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, ठीक है। फटाफट करूँगा, 3 रिपीटेशन में कर दूँगा, ठीक है। तो बच्चों हमने 3 रिपीटेशन क्या किए, डायनेमिक सूर्य नमस्कार किया। इसको स्टार्टिंग में नहीं करना है, स्टार्टिंग में जब क्या करेंगे हम लोग, स्लो स्लो मोशन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 टाइम जब हम कर लेंगे स्लो स्लो, उसके बाद हम लोग डायनेमिक वे में करेंगे। तो अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं। देखो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हमारे हार्ट और लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अब मैं अपने लेग्स को यहाँ तक ऐसे उठा पा रहा हूँ, ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ लोग का यहाँ जाता है, कुछ का बहुत ऊपर जाता है, यानी कि हमारे ये जॉइंट्स है उनका हम पूरी तरीके से यूज़ कैसे कर पाए, ठीक है। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो आप उसका पूरी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तीसरा स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, चौथा इम्यूनिटी को हमारी इंक्रीज करता है, और सबसे चीज़ इसका जो फैट बर्नर है, मतलब अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो आपको कोई बॉडी में फैट नहीं होगा। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो, जो लोग परेशान हैं कि वो फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना, आपके लिए घर पे काम क्या है, आप लोगों को सूर्य नमस्कार सीखना है जैसे मैंने दिखाया आपको, और उसका वीडियो बना करके मुझे भेजना है। सभी बच्चे जितने भी आप लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपना वीडियो बना करके ज़रूर भेजेंगे। और वीडियो बनाते समय ध्यान रखेंगे कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है पहले, जैसे आपका नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल का नाम, जिससे हम अभी नेशनल इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है तो हम आपकी वीडियोस को कहीं प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और 15 जून से 21 जून तक हम लोग योग सप्ताह मनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और जो मैंने बताया उसको ध्यान दे रखिएगा और अपना वीडियो बना करके ज़रूर मुझे पोस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।